1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच हुए भीमा कोरेगांव युद्ध की आज बरसी है। देश भर के दलित 1 जनवरी को पुणे स्थित भीमा कोरेगांव स्मारक पर जुटते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दलित विजय का प्रतीक बन चुके इस युद्ध की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि 1 जनवरी 1818 को हुए इस युद्ध का नाम कैसे पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच यह युद्ध पुणे के करीब स्थित कोरेगांव नामक गांव में हुआ था। यह गांव भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इस युद्ध का नाम भीमा कोरेगांव युद्ध पड़ गया। भीमा कोरेगांव युद्ध से पहले ही अंग्रेजों और मराठा के बीच हुए दो युद्धों में पेशवा कमजोर हो चुके थे। पेशवा की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। पेशवा अंग्रेजों की पुणे रेजिडेंसी पर कब्जा करना चाहते थे। पहले बाजीराव द्वितीय ने पुणे पर कब्जा करने के लिए 5,000 सैनिक भेजे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश सेना के छोटे आकार को देखते हुए 3 इन्फेंट्री डिवीजन भेजे। हर डिवीजन में करीब 600 सैनिक थे। 3 डिवीजन में मिलाकर करीब 2,000 सैनिक पेशवा की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट में कुल 834 सैनिक थे। ब्रिटिश सेना ने पेशवा के सैनिकों को पुणे में घुसने नहीं दिया। 12 घंटे तक चली इस लड़ाई में पेशवा के करीब 500 से 600 सैनिक मारे गए। भारी नुकसान के बाद बाजीराव ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। पेशवा द्वारा फौज को वापस बुलाने की एक बड़ी वजह ब्रिटिश जनरल जोसेफ स्मिथ की एक बड़ी सैन्य कमान के साथ वहां आने का भय भी बताया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गजेटियर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के 834 सैनिकों में 49 सैनिक मारे गए। 200 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक घायल हुए या फिर लापता हो गए। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध को पूर्वी और उत्तरी भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज ने मुगलों से मुकाबला करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। 1707 में औरंगजेब के निधन के साथ ही मुगलों की ताकत कम होने लगी। मुगलों के पराभव का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाना शुरू कर दिया था। शिवाजी के पोते और संभाजी के बेटे साहूजी महाराज की सत्ता पर पकड़ अपने दादा या पिता जितनी मजबूत नहीं रही, लेकिन पेशवा बालाजी विश्वनाथ के परिदृश्य में आने के बाद ही मराठा साम्राज्य के हालात बदलने लगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उनके वंशजों ने मराठा साम्राज्य को देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में बदल दिया था। भारत पर कब्जे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पेशवा को हराना जरूरी हो गया था। अंग्रेजों और मराठों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन 1818 में हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बाद अंग्रेज निर्विवाद रूप से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गए। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में इस युद्ध का खास महत्व है। इतिहासकार श्रद्धा कुंभोजकर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले F.F. स्टॉन्टन को गवर्नर जनरल ने प्रमोशन देकर मानद आईडी कैंप बना दिया। ब्रिटिश संसद में भी भीमा कोरेगांव युद्ध की प्रशंसा की गई। ब्रिटिश मीडिया में भी इस युद्ध में अंग्रेज सेना की बहादुरी के कसीदे गाड़े गए। भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद अंग्रेजों ने युद्ध स्थल पर 65 फीट ऊंचा एक स्मारक बनवाया। इस स्मारक पर युद्ध में मारे गए ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। स्मारक पर अंग्रेजी और मराठी में लिखा है कि यहाँ ब्रिटिश सेना ने पूरब में अपनी सबसे गर्व भरी जीत हासिल की। स्मारक पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 49 जवानों के नाम भी उत्कीर्ण हैं, जो पेशवा की सेना के संग युद्ध में मारे गए थे। इन जवानों में 22 महार समुदाय के हैं। इन सैनिकों के महार होने की पहचान उनके नाम के अंत में लगे नाक, एस नाक, राय नाक, गुन नाक इत्यादि से होती है। इस स्मारक पर उत्तर और दक्षिण में मराठी में प्रशस्ति अंकित है, पश्चिम में अंग्रेजी पर प्रशस्ति अंकित है। स्मारक के उत्तर और पूर्व में मारे गए या घायल अंग्रेजों के नाम है। इनमें आर्टिलरी में शामिल 4 भारतीय सैनिकों के भी नाम हैं जो युद्ध में मारे गए थे। जातिगत व्यवस्था में महार समुदाय को अछूत समझे जाने के बावजूद उनकी ख्याति एक सैन्य जाति के रूप में रही है। राजपूत, यादव, जाट, गुजर और मराठा की तरह महार को भी फाइटर कास्ट माना जाता है। छत्रपति शिवाजी की सेना में भी महार शामिल थे। भीमा कोरेगांव रणस्तंभ सेवा संघ के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद कडलक के अनुसार महार शिवाजी के समय से मराठा सेना के हिस्सा रहे हैं। लोग भूल गए कि छत्रपति संभाजी के भौतिक अवशेष को दुश्मनों के कब्जे से महारों ने हासिल किया था। संभाजी को औरंगजेब ने मरवाया था। महारों ने पेशवा की सेना के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई और खाड़दा की लड़ाई जैसी कई प्रमुख लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इतिहास अक्सर ब्राह्मणवादियों ने लिखा है और वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों की वीरता को पहचाना और उन्हें अपनी सेना में जगह दी। श्रद्धा कुंभोजकर के अनुसार कोरेगांव के बाद 1826 में हुए कठियावाड़ा युद्ध, 1846 में हुए मुल्तान युद्ध,
और 1880 में हुए दूसरे अफगान युद्ध में महार रेजिमेंट ने उल्लेखनीय योगदान किया था। श्रद्धा कुंभोजकर के अनुसार 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी के महार रेजिमेंट के कई सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके बाद से ही अंग्रेज महारों के प्रति सशंकित हो गए थे। 1892 में उन्होंने महार को मार्शल रेस की सूची से बाहर कर दिया। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ महार समुदाय में आवाज उठने लगी। 1894 में ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक गोपाल बाबा वालंगकर ने एक संगठन बनाकर ब्रिटिश शासन से महारों को लड़ाका जाति समूह से बाहर करने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। एक अन्य नेता शिवराम जानबा कामले ने भी महारों को ब्रिटिश सेना में शामिल किए जाने के लिए पुरजोर पैरवी की। कामले ने ही कोरेगांव स्मारक पर महारों द्वारा सभा करने का सिलसिला शुरू किया। 1910 में कामले ने 51 गांवों के महारों की साझा बैठक करके ब्रिटिश सेना में उन्हें शामिल किए जाने की मांग रखी। 1916 तक महार कई बार ब्रिटिश शासकों से सेना में दोबारा शामिल करने की मांग उठाते रहे। अंग्रेजों ने महारों को दोबारा सेना में तब शामिल किया जब पहले विश्व युद्ध में उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत महसूस हुई। 1917 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार ने महारों को सेना में भर्ती करने के साथ ही उनकी 2 प्लाटून बनाने का आदेश दिया, लेकिन 1914 से 1918 तक चले पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही ब्रिटिशों ने महारों की सेना में भर्ती फिर से बंद कर दी। भीमा कोरेगांव के इतिहास में बड़ा मोड़ तब आया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोरेगांव युद्ध की 109वीं बरसी पर 1 जनवरी 1927 को इस स्मारक का दौरा किया। शिवराम कांबले के बुलावे पर ही बाबा साहब कोरेगांव पहुंचे थे। भीमा कोरेगांव स्मारक को ब्राह्मण पेशवा के जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ महारों की जीत के प्रतीक के तौर पर बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव युद्ध की बरसी मनाने की विधिवत शुरुआत की। बाबा साहब के इस फैसले के पीछे उनके निजी इतिहास की भी बड़ी भूमिका थी। बाबा साहब भी महार जाति से आते थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल भी ब्रिटिश सेना के महार रेजिमेंट में सूबेदार से रिटायर हुए थे। बाबा साहब के दादा भी महार रेजिमेंट में रहे थे। महार रेजिमेंट के साथ ही कोरेगांव का बाबा साहब के निजी जीवन से गहरा संबंध था। इस बात का जिक्र बाबा साहब ने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में किया है। फौज से रिटायर होने के बाद बाबा साहब के पिता कोरेगांव में खजांची के रूप में तैनात थे। बाबा साहब अपने भाई और बहन के बेटे के साथ सतारा से कोरेगांव जा रहे थे। उस समय बाबा साहब की उम्र 9 साल थी। कोरेगांव पहुंचने पर उन सब के महार होने के कारण गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। बहुत मिन्नत करने के बाद एक गाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ। रास्ते में जब उन्हें प्यास लगी तो लोगों ने उन्हें पानी पिलाने से मना कर दिया। इस घटना ने बाबा साहब के वैचारिक निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा की। बाबा साहब ने लिखा है, मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और छूतों के साथ आम तौर पर होता है। अब इस स्मारक का संरक्षण भीमा कोरेगांव रण स्तंभ सेवा संघ नामक संगठन करता है। दलितों के लिए इस स्मारक का महत्व समय के साथ बढ़ता गया है। BKRSS के अध्यक्ष सरजे राव वाघमारे ने मीडिया को बताया था, भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं बरसी पर करीब 8 लाख लोग इस स्तंभ पर जमा हुए थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार भीमा कोरेगांव युद्ध पेशवा और महारों के बीच हुआ युद्ध नहीं था। ये 2 रियासतों के बीच हुआ युद्ध था जिनके लिए अलग अलग समुदाय के लोग सैनिक के तौर पर लड़ रहे थे। इसलिए किसी एक पक्ष को किसी खास जाति का प्रतिनिधि समझना ऐतिहासिक रूप से न्याय संगत नहीं होगा। दलित एक्टिविस्टों के अनुसार भीमा कोरेगांव युद्ध में अंग्रेजों के 834 सैनिकों में करीब 500 पैदल सैनिक महार थे। हालांकि भीमा कोरेगांव स्मारक पर केवल 22 महारों के नाम है और वो भी उनके उपनाम के आधार पर लगाए गए अनुमान है। दलित विचारक और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ने अपने एक लेख में लिखा है, हालांकि ठीक संख्या नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के सभी सैनिक महार नहीं थे। अगर मारे गए लोगों की सूची देखें तो भी साफ है कि मारे गए 49 सैनिकों में 27 सैनिक महार नहीं थे। इन तथ्यों की रोशनी में ये कहना गलत होगा कि महार पेशवा के ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे। भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद महारों के जातिगत उत्पीड़न में कोई फर्क पड़ा हो इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। आनंद तेलतुंबड़े ने लिखा है, इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि पेशवा राज खत्म होने के बाद महारों को जाति उत्पीड़न से कोई राहत मिली थी। सच ये है कि जातिगत उत्पीड़न अबाध रूप से जारी रहा था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बाद भी जिस तरह अंग्रेजों ने महारों की सेना में भर्ती रोक दी उससे साफ है कि उनका मकसद अपना हित साधना था। ये अलग बात है कि बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव युद्ध का इस्तेमाल दलित अस्मिता को जगाने के लिए किया। आनंद तेलतुंबड़े ने लिखा है,
जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव की लड़ाई को पेशवा शासन में महार सैनिकों के उत्पीड़न के प्रतीक के तौर पर पेश करना शुरू किया तो वह एक विशुद्ध मिथक का निर्माण कर रहे थे। इतिहासकार जो भी कहें, आज के दलित राजनीति में भीमा कोरेगांव युद्ध का एक अहम स्थान है। आज भी देश भर के दलित इस मौके पर पुणे में इकट्ठे होते हैं। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।